पेंच टाइगर रिजर्व भारतवर्ष के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में कोर और बफर क्षेत्र को मिलाकर बना। यह अभयारण्य वर्तमान में बाघों का सबसे अधिक पसंदीदा रहवास क्षेत्र बना हुआ है। मिश्रित वन क्षेत्र से आच्छादित पहाड़ी और समतल भूमि पर भोजन की प्रचुरता के साथ पेंच नदी इस अभयारण्य को संपूर्णता प्रदान करती है। विश्व प्रसिद्ध जंगल बुक, मोगली और शेरखान के सपनों का संसार यही पेंच है। कुशल प्रबंधन के लिए पेंच के 2 कोर और 6 बफर जोन को 109 बीट में बांटा गया है। हर बीट में बीट गार्ड सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। हम खापा बीट के गार्ड देवाशीष डहरिया से मिलकर जानते हैं उनके प्रबंधन, क्रियान्वयन और दिनचर्या को। चाहे मौसम शुष्क हो, सर्दी हो या हो फिर घनघोर बारिश, हर रोज की गश्त करना देवाशीष की दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गई है। बीट में मिले पद चिन्हों को पढ़ना, होने वाली हलचल को समझना, उन्हें संपादित करना, अपनी बीट में वन्य प्राणियों के ठौर ठिकानों पर नजर बनाए रखना, जमीन के नीचे होने वाली गतिविधियों का आकलन करना, दिमक और चींटियों का जंगल की उन्नति में योगदान का ज्ञान होना, बीट में उपस्थित पेड़ पौधों का ज्ञान, उनकी उपयोगिता और उन पर बने खरोच मार्क को देखना, पढ़ना और समझना। बीट में बने टावरों से जंगल की सुरक्षा का जायजा लेना। हर 2 वर्ष में बीट में जंगल की पैदावार किस गति से हो रही है इसको मापने के वन पुनरुत्पादन का प्रबंधन करना। धरती पर सभी प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल है। जल स्रोतों का जंगल में और अपनी बीट में निर्माण करना, सुचारू प्रबंधन करना, कठिन और शुष्क मौसम में छोटे से छोटे स्रोत को जीवित और संभाल कर रखना। वन ग्रामों के रहवासियों की वनों के प्रति भागीदारी सुनिश्चित करना, वन ग्राम समितियों से सतत संपर्क कर मीटिंग करना, उन्हें साथ लेकर गश्ती करना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से पारिवारिक परिवेश में सतत संपर्क बनाए रखना, बेहतर प्रबंधन के लिए समय समय पर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना, उनके मार्गदर्शन में गश्ती एवं चेकिंग करना, रात्रि में भी मुस्तैदी के साथ वन चौकी पर मुस्तैद रहना तथा आवश्यकता पड़ने पर पार्क में उपस्थित स्पेशल फोर्स का सहयोग प्राप्त करना। ग्रामीण आबादी के बाहरी क्षेत्रों में कैमरा इत्यादि के माध्यम से वन्य प्राणी की हलचल पर निगरानी रखना तथा समय समय पर ग्रामीणों को खतरे के प्रति विभिन्न माध्यम से आगाह कर जन हानि को रोकना। चूंकि वनों में तथा वनों की सीमा के आसपास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण जनता का बहुत बड़ा भाग वनों पर निर्भर है, अतः वन विभाग का प्रमुख दायित्व वनों का इस तरह प्रबंधन करना है कि न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकोपार्जन का स्रोत निरंतर बना रहे, बल्कि प्रबंधन में उनकी भागीदारी भी सशक्त हो और वन एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में विकसित होता रहे। धन्यवाद।